सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं चांदनी त्रिवेदी आप सभी का astroflix.com दुनिया के पहले 4 के जोडियाक चैनल में स्वागत करती हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि धनु राशि के लिए सितंबर 2018 का मासिक फल। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। सभी धर्मों में व्रत उपवास करने का महत्व बहुत होता है, साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी का व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को व्रत से पहले कई बातों का ध्यान जरूरी रखना पड़ता है, जैसे कि इस दिन चावलू, लहसुन, प्याज, मांस मच्छी खाना वर्जित होता है। इसके अलावा एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि छोटे जीवों के मर जाने का भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें जिनका अनुकरण करके आप अपने व्रत को सफल बना सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि धनु राशि के लिए सितंबर का ये महीना क्या सौगात लेके आएगा। धनु राशि के जातकों को इस महीने आपको ग्रहों का पूरा सहयोग मिलेगा। ऐसे में महीने की शुरुआत में आप मौज शौक और पार्टी मनाने में व्यस्त रहेंगे। जॉब में भी आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा। इसके अलावा अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। वही अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इस महीने आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देंगे। वहीं जिन जातकों की शादी में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो सकती है। गणेश जी के अनुसार महीने के अंतिम पखवाड़े में प्रोफेशनल प्रगति के लिए उत्तम ग्रह योग बन रहे हैं। इस समय आप में गजब की ऊर्जा और उत्साह रहेगा। आपको सिर्फ ये सावधानी बरतने की जरूरत है कि स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट बनाकर उसे फॉलो करना होगा, क्योंकि आवश्यकता से अधिक खाने पीने को आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये था धनु राशि के लिए सितंबर माह का मासिक फल। हम फिर से हाजिर होंगे दोस्तों ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः।